अपोन भी, अब जनरली बात करें विलयन में विलय भी होता है और क्या होता है विलायक भी होता है, इसलिए अपन ये क्या ले लिया v1 plus v2। अगर मैं यहाँ पे केवल v लिखा तो भी क्या हो जाता है विलयन की ml में मात्रा हो जाती है, 1 आ रहा है तो अपन क्या बोलेंगे विलायक, और 2 आ रहा है तो अपन क्या बोलेंगे विलय, और जब दोनों मिल जाते हैं तो अपन क्या बोल देते हैं यहाँ पे विलयन, इनको अपन ने क्या बोल दिया यहाँ पे 100। अब जनरली आपको जो फॉर्मूला बताया मैंने 11th में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे 12th क्लास में न्यूमेरिकल बेसिस पे आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। V2 का मतलब अपन क्या बोलेंगे विलय की ml में मात्रा, विलयन की ml में मात्रा को अपन ने क्या बोल दिया V1 plus V2 क्यों बोला, क्योंकि 1 का मतलब तो क्या हो गया विलय और 2 का मतलब क्या हो गया विलय, तो विलय और विलायक दोनों को अपन ने जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा विलयन बन जाएगा। तो ये चीज अपन को पता होनी चाहिए। कल अपन ने जब फॉर्मूला देखा था तो वहां पे किसकी बात करी थी, V2 की जगह लिया था W2 क्योंकि ग्राम किलोग्राम में था, और यहाँ पे लिया था अपने W1 plus W2, लेकिन आज अपन क्या ले रहे हैं V1 plus V2। सिंपल सी बात, कई बार मैं बोल चुका हूँ कि अगर ग्राम किलोग्राम दे रखा है तो अपन को W लेना है, और अगर मिली लीटर या लीटर दे रखा है तो अपन को क्या लेना है यहाँ पे V लेना है। और इसमें भी दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, 1 होता है तो विलायक बोल देते हैं, या A होता है तो विलायक बोल देते हैं, लेकिन 2 होता है तो अपन या तो विलय बोलेंगे या B होता है तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे विलय बोलेंगे। ये हो गई आयतन प्रतिशत की बात। अब कई बार क्या होता है यहाँ पे जो न्यूमेरिकल अपने पूछ लिया जाता है उसमें अपन को डाटा तो दे रखा होता है लेकिन अपन को समझ में नहीं आता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है, तो वो भी पता होना चाहिए अगर कल का समझ में आया होगा तो। मैंने क्या ले लिया यहाँ पे 10% वी अपॉन वी, और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने ग्लाइकोल विलयन। अगर आपको दे रखा है यहाँ पे न्यूमेरिकल में ऐसा दे रखा होता है कि 10% वी अपॉन वी ग्लाइकोल विलयन, इसका मतलब मैंने कल भी बताया था कि ग्लाइकोल घुला हुआ है लेकिन अपन को विलायक यहाँ पे नहीं दे रखा। ग्लाइकोल है तो सही, ग्लाइकोल तो क्या हो गया अपना विलय हो गया, ग्लाइकोल तो क्या हो गया यहाँ पे विलय, लेकिन विलायक अपन को नहीं दे रखा। तो विलायक अपन जब भी नहीं दे रखा हो तो कल की क्लास का याद होगा कि विलायक नहीं दे रखा हो तो अपन क्या मानेंगे हमेशा पानी को क्या मान लेंगे अपन यहाँ पे विलायक, या तो आपको विलायक दे रखा होगा वहां पे क्वेश्चन में मेंशन कर रखा होगा, अगर नहीं दे रखा तो विलायक हमेशा क्या मानना है अपन को यहाँ पे पानी मानना है, तो ग्लाइकोल क्या हो गया विलय और पानी क्या हो गया यहाँ पे विलायक। अब जनरली बात करें 10% बी अपॉन बी का मतलब क्या हो गया कि 10 बीवी की बात कर रहे हैं मतलब ml की बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोल दिया 10 ml ग्लाइकोल, क्या 10 ml ग्लाइकोल। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे 10 अगर विलय हो गया तो विलयन में तो 100 में से कितना बचा 90, तो मैंने क्या बोल दिया 90 ml किसमें पानी में घुला हुआ है, 10 ml ग्लाइकोल तो कितना हो गया 10 ml क्योंकि बीवी की बात कर रहे हैं, तो ग्लाइकोल कितना हो गया 10 ml, और पानी जो विलायक अपन ले रहे थे वो कितना हो गया 90, 100 में से 10 घटा दिया अपन ने तो क्या हो गया 90 पानी में घुला हुआ है, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ टोटल तो कितना हुआ 90 और 10 100, तो मैं क्या बोल सकता हूँ 100 ml विलयन में घुला हुआ है। तो ये भी अपन को पता होना चाहिए कि 10% बी अपॉन बी ग्लाइकोल विलयन का मतलब क्या होता है कि 10 ml, अगर यहाँ पे WW होता तो ग्राम ग्राम लेता, यहाँ पे बी भी है तो अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पे भी ml, यहाँ पे भी ml, और यहाँ पे भी क्या ले रहे हैं अपन यहाँ पे ml, तो 10 ml ग्लाइकोल। जब तक मेंशन नहीं करे कि विलायक क्या है हमेशा क्या मानोगे विलायक हमेशा पानी मानोगे, तो या तो 10 ml बचा कितना 100 में से 10 घटा दिया तो 90 ml पानी, या टोटल कितना मान ले विलयन अपन यहाँ पे 100 ml विलयन में घुला हुआ है, जो आपको जनरली पता होना चाहिए। तीसरा टॉपिक अपन देखें, समझ में आया सबको ये चीज को, नेक्स्ट अगर अपन यहाँ पे देखना चाहें तीसरा टॉपिक जो अपन ले रहे हैं दे तो रखा था अपने यहाँ पे 11th में भी दे रखा था, तीसरा टॉपिक अपन ले लिया यहाँ पे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, क्या ले लिया यहाँ पे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। जब भी अपन द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात करते हैं तो अपन को पता होना चाहिए द्रव्यमान दे रखा है तो मैंने क्या बोल दिया किससे प्रदर्शित करूंगा W से, आयतन दे रखा है तो किससे प्रदर्शित करूंगा V से, तो मैंने किससे प्रदर्शित कर दिया W अपॉन V से। जब भी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात करते हैं तो हमेशा क्या आएगा W अपॉन V। अपन ने इससे पहले दो देखे W अपॉन W, दोनों चीजें किसमें थी ग्राम ग्राम या किलोग्राम किलोग्राम में, दूसरा अपन ने देखा था V अपॉन V मतलब दोनों चीजें किसमें थी ml ml या फिर किसमें थी लीटर लीटर में। अब अपन ले रहे हैं दोनों को एक साथ, द्रव्यमान भी आ रहा है और क्या आ रहा है आयतन भी आ रहा है, तो अपन ने क्या बोल दिया W अपॉन V से। अब डेफिनेशन की बात करें सेकंड वाली चीज क्या है V में, तो अपन क्या ले लेंगे डायरेक्टली यहाँ पे
100 ml विलयन में, इसमें 100 ml विलयन में उपस्थित। सेकेंड वाली चीज क्या है, वी में है, इसलिए अपन ने क्या ले लिया, सब में 100 ही ले रहे हैं अपन, प्रतिशत निकालने के लिए, तो 100 ml विलयन में उपस्थित, अपन ने क्या बोल दिया यहाँ पे विलय की, ऊपर वाली चीज किस में, डब्ल्यू में, तो विलय की ग्राम में मात्रा, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, वो क्या कहलाती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, वो जनरली पता होना चाहिए। अब अगर फॉर्मूला बनाना है तो डायरेक्टली बना देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, तो मैंने क्या ले लिया, W अपॉन V, विलय की ग्राम में मात्रा, ग्राम में है इसलिए अपन ने क्या ले लिया W, विलय है इसलिए अपन ने क्या ले लिया 2। अब बात करें 100 ml विलयन में, तो विलयन है तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे भी, अब जनरली अगर दोनों ग्राम ग्राम में होते तो भी घटा लेते, ml ml में होते तो भी घटा लेते, लेकिन ये ग्राम में दे रखा है और ये ml में दे रखा है, तो ग्राम में से ml तो घटा नहीं सकते, या ml में से ग्राम भी अपन नहीं घटा सकते, तो मैंने नीचे क्या लिया केवल यहाँ पे v। सब वाले फॉर्मूले, इससे पहले जो फॉर्मूला देखा था v1 plus v2 लिया था अपन, लेकिन यहाँ पे क्या ले रहा हूँ केवल v, v का मतलब भी क्या है, विलयन की ml में मात्रा, ये क्या हो गया 2 का मतलब विलय, तो विलय की ग्राम में मात्रा, और v का मतलब क्या हो गया, विलयन की ml में मात्रा इंटू क्या ले लिया अपन ने 100। जनरली ये जो तीसरा टॉपिक देख रहे हैं इतना पूछा तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी अपन को जनरली पता होना चाहिए कि जो दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह जो बनाई जाती है वो इसी के बेसिस पे बनाई जाती है, कि ये वाला ग्राम में लिया जाता है और जिसको घोलना होता है वो किसमें लिया जाता है, ml या लीटर में लिया जाता है। तो अपन ये तीन टॉपिक देखे, द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा देखा अपन ने यहाँ पे आयतन प्रतिशत, और तीसरा अपन ने क्या ले लिया यहाँ पे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। चौथा टॉपिक जो अपन ले रहे हैं, फोर्थ टॉपिक अपन यहाँ पे ले रहे हैं, जो आपने पढ़ा तो है लेकिन न्यूमेरिकल बेसिस पे आपने नहीं देखा, तो वो चीज अपन यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे, न्यूमेरिकल कैसे पूछेंगे। तो फोर्थ मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, इम्पोर्टेंट है सबसे पहले बात करें अपन यहाँ पे, तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे मोल अंश, किसकी बात कर रहा हूँ, मोल अंश, ये इसी को अपन बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं, मोल अंश की जगह अपन इसको बोल सकते हैं मोल प्रभाज, क्या बोल सकते हैं मोल प्रभाज, ये इसी को बोलना चाहे अपन फोर्थ क्या बोल सकते हैं, तो अपन ने क्या बोल दिया मोल, इसी से भी प्रदर्शित करो, आपकी इच्छा हो तो मोल अंश बोलो, आपकी इच्छा हो तो मोल प्रभाज बोलो, आपकी इच्छा हो तो उसको मोल भिन्न बोलो, एक ही बात है। लेकिन जनरली आपको पता होना चाहिए कि प्रदर्शित किससे करते हैं अपन यहाँ पे, तो अपने क्या ले लिया यहाँ पे x से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं, x से प्रदर्शित करते हैं, जब भी मोल अंश मोल प्रभाज या मोल भिन्न दे रखा हो तो प्रदर्शित किससे करेंगे अपन यहाँ पे x से। अब थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब अपन मोल अंश मोल प्रभाज या मोल भिन्न की बात कर रहे हैं तो एक टर्मिनोलॉजी आ जाती है कि मोल होता क्या है, अगर आपको मोल ही नहीं पता तो मोल अंश तो कैसे पता होगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, मोल पता होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ साथ ही साथ देखते रहना, बुक हो तो बुक से देख लेना, PDF में आज आपको सेंड कर दूंगा, जो अपने 3 दिन में पढ़ा ना उसके 3-4-5 पेजेस जितने भी हो रहे हैं आज के बाद PDF मिल जाएगी आपको। तो ये आपको जो पढ़ा एक बार देख लेना और नोट से देखना, कोई दिक्कत आए तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना, जो भी दिक्कत आ रही हो मैं आपको बता दूंगा, एक बार क्लियर कर दूंगा इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करें अपन यहाँ पे मोल की बात करें, अंश की बात नहीं कर रहा, मोल प्रभाज की बात नहीं कर रहा, मोल भिन्न की बात नहीं कर रहा, सबसे पहले किसकी बात करें अपन यहाँ पे मोल। सिंपल से फॉर्मूला बता रहा हूँ कि मोल को किससे प्रदर्शित करते हैं, सबसे पहले तो बात करें अपन यहाँ पे एन से प्रदर्शित करते हैं, किससे, मोल अंश को तो किससे करते हैं एक्स से, मोल अंश को किससे करते हैं एक्स से, लेकिन मोल को जनरली किससे प्रदर्शित करते हैं अपन यहाँ पे एन से। अब जनरली बात करें कि मोल बराबर क्या होता है, तो ध्यान से समझना, मैंने क्या ले लिया यहाँ पे पदार्थ की ग्राम में मात्रा अपॉन, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया पदार्थ का अणु भार। अगर मोल की बात करें तो मैंने क्या ले लिया मोल को प्रदर्शित किससे करते हैं एन से, ये जनरली पता होना चाहिए। अगर जिसको मोल नहीं पता, मोलस पता नहीं होगा, मोलस नहीं पता तो मोलर का पता नहीं होगी, मोलर का पता नहीं होगी, नॉर्मल का पता नहीं होगी, आगे के सारे टॉपिक मोल के बेसिस में, मोल पता होगा तो मोलस पता होगा। पहले मैं मोलस की बात नहीं कर रहा, पहले किसकी बात कर रहा हूँ, मोल की बात कर रहा हूँ, तो जनरली ये पता होना चाहिए। तो मोल बराबर अगर बात करें तो एन बराबर अपन क्या बोल सकते हैं पदार्थ की ग्राम में मात्रा, तो ग्राम में है तो अपन ने क्या ले लिया यहाँ पे डब्लू, पदार्थ का अणुभार, अणुभार को मैंने किससे प्रदर्शित कर दिया m से, किससे m से, तो n बराबर क्या हो गया w अपॉन m। ध्यान से समझना, मोल बराबर पदार्थ की ग्राम में मात्रा अपॉन पदार्थ का क्या होता है अणुभार, ग्राम में मात्रा थी इसलिए अपन ने क्या ले लिया w, और m मतलब पदार्थ का क्या हो गया अणुभार।
अब ध्यान से समझना कि विलय भी हो सकता है और विलायक भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे वन वन और वन ले लेता तो आप क्या बोलते हैं, एन वन का मतलब क्या, वन का मतलब क्या होता है विलायक, तो विलायक के मोल, क्या बोलते थे विलायक के मोल, वन का मतलब क्या होता है विलायक, तो विलायक की ग्राम में मात्रा, और यहाँ पे क्या बोलते थे विलायक का अनुभाग, इसका विलायक का अनुभाग। अगर मैं वन की जगह लेना चाहता है यहाँ पे, तो मैं टू ले लेता, यहाँ पे भी टू ले लेता और यहाँ पे भी टू ले लेता, तो अपन क्या बोलते हैं टू का मतलब विलय, तो विलय के मोल, ये क्या हो गया विलय की ग्राम में मात्रा, और ये क्या हो गया विलय का अनुभाग। समझ में आया, विलय के मोल, विलय की ग्राम में मात्रा, और ये क्या हो गया विलय का अनुभाग। तो जनरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे पता होना चाहिए कि M2 का मतलब अपन विलय का अनुभाग ले रहे हैं, W2 का मतलब विलय की ग्राम में मात्रा ले रहे हैं, N2 का मतलब क्या ले रहे हैं अपन विलय के मोल। तो यहाँ पे मोलर्स पे जाने से पहले सबसे पहले मोल क्लियर हो जाने चाहिए। अब मैं बात करूं यहाँ पे जो अपन देख रहे हैं यहाँ पे जो एम दे रखा है ना, मतलब पदार्थ का अनुभाग, क्या दे रखा है पदार्थ का अनुभाग। और अनुभाग जनरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे नहीं रखा होता है, तो आपको अनुभाग खुद को निकालना आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे NaOH, NaOH दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आई थिंक सबको पता है, इसका अनुभाग मुझे निकालना है, मुझे नहीं पता कितना होता है, आपको निकालना आना चाहिए। क्वेश्चन में कभी भी अनुभाग नहीं दे रखा होता है, तो Na का अगर बात करूं परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, 11 डबल किया 22, लेकिन इसका परमाणु भार कितना होता है 23। Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, डबल किया कितना हो गया 22, लेकिन Na का परमाणु भार कितना होता है 22 से एक ज्यादा, कितना होता है 23, थोड़ा बहुत पता होगा, 11 से पढ़ा होगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, कितना होता है 8, और डबल किया तो कितना हो गया 16, तो परमाणु भार कितना हो गया 16, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, और परमाणु भार भी कितना होता है 1, तो 23 प्लस 16 प्लस 1, तो अनुभार कितना हो गया यहाँ पे 40 हो गया, कितना हो गया 40 हो गया। अब NaOH आपको जब भी दे रखा होता है तो आपको क्वेश्चन में नहीं देगा कि अनुभार कितना है, तो आपको पता होना चाहिए Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, Na का होता है परमाणु क्रमांक 11, डबल किया तो 22, लेकिन होता कितना है 23, पता होना चाहिए। ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, डबल किया तो कितना हो गया 16 ही होता है, हाइड्रोजन का 1, डबल किया, डबल करना नहीं होता है, 1 का 1 ही होता है जनरली यहां पे, तो कितना हो जाता है 40। तो NaOH का अनुभार कितना हो गया 40, पता होना चाहिए। अगर ये नहीं लूं मैं यहां पे, मैंने क्या ले लिया यहां पे NaCl, इसकी बात कर रहा हूं यहां पे NaCl, और NaCl की बात करें अपन यहां पे, मुझे नहीं पता इसका अनुभार कितना होता है, लेकिन Na का तो ऊपर देखना पड़ेगा कितना होता है 23, और Cl आपने पढ़ा होगा 11th में कहीं जगह दे रखा था, परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका 17, कितना होता है 17, डबल किया कितना हो गया 34, लेकिन 34 नहीं हो गया, कितना होता है यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए 35.5, कितना होता है 35.5, ये अपवाद एक तरह से जो पता होना चाहिए, Na का 23, Cl का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17, डबल किया कितना हो गया 34, लेकिन होता कितना है 35.5, तो 35.5 और 23 जोड़े तो कितना हो गया अपना यहाँ पे 58.5। आपको NaCl का जब भी अनुभाग पूछेगा तो आप क्या बताओगे 58.5। समझ में आया ये क्या दे रखा है यहाँ पे, ये जनरली पता होना चाहिए। ये भी नहीं दे अनुभाग की बात है, कुछ भी दे आपको यहाँ पे, मैं ले लू यहाँ पे C6H6, आपको सबको पता है C6H6 को क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे बेंजीन, क्या बोल देते हैं बेंजीन, कार्बन 6 हाइड्रोजन 6, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना 6, डबल किया तो कितना हो गया 12, एक कार्बन का परमाणु भार कितना हो गया 12, तो 6 का कितना हो गया 12 इंटू 6 कितना हो गया 72, और हाइड्रोजन कितना होता है 1 का 1, तो 6 का कितना हो जाएगा 6, तो 72 प्लस 6 कितना हो गया 78। आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा कि बेंजीन का अनुभार कितना होता है, वो आपको पता होना चाहिए। समझ में आया, ये भी नहीं दे आपको यहाँ पे, अगर जनरली बात करूं यहाँ पे ये भी नहीं दे, आपको देते हैं यहाँ पे H2SO4, क्या देते हैं H2SO4, सबको पता है सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, नमक होता है जो अपन खाते हैं, C6H6, बेंजीन, और H2SO4 की बात करें तो इसको क्या बोल देते हैं अपन यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड, H2SO4 क्या होता है अम्लों का राजा, सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी बात करें हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन कितना हो गया 2, 1 का 1, 2 का कितना हो गया 2, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है 16, डबल किया तो कितना हो गया 32, यहाँ पे क्या ले लिया 32, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, चार ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 इंटू 4, 16 चौके 64,
अगर यहाँ पे बात करें 60, 30, 90 छिन्नवे दो अट्ठानवे यहाँ पे कितना हो जाता है अनुपात कितना हो गया 98 कितना हो जाता है यहाँ पे अनुपात यहाँ पे कितना हो गया 98 तो ये भी जनरली पता होना चाहिए कि किसका अनुपात कितना होता है आपको कभी भी क्वेश्चन में दे नहीं रखा होता है वो आपको जनरली पता होना चाहिए। तो ये तो बात करिए अपन ने यहाँ पे किसकी अनुभार के सेंस में जो आपको पता होना चाहिए। अब मैं बात करूँ यहाँ पे मोल का समझ में तो आ गया कि ग्राम में मात्रा आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी अनुभार आपको निकालना आता है तो मोल निकालना क्या हो जाएगा आपका असल। वैसे ये क्वेश्चन अपन देख लेते हैं ताकि आपको पता तो चल जाए क्या होता है। मैं बोल दूं यहाँ पे कि 20 ग्राम NaOH इसकी बात कर रहा हूँ 20 ग्राम क्या दे रखा है आपको यहाँ पे NaOH और मैं बोल दूं NaOH में मोलों की संख्या कितनी होगी इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे मोलों की संख्या कितनी होगी 20 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या कितनी होगी मुझे नहीं पता कितनी होगी लेकिन अपन को फॉर्मूला तो पता है। अगर मैं बात करूं N मोल निकाल रहा है मुझे किसका निकाल रहा हूं NaOH का N NaOH का मतलब क्या हो गया NaOH के मोल। अब ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है अपन को NaOH की 20 तो मैंने क्या लिख दिया ग्राम में मात्रा कितनी है 20 अनुपात NaOH का कितना होता है थोड़ी देर पहले देखा था अपन अनुपात Na का 23 ऑक्सीजन का 16 हाइड्रोजन का 1 23 16 1 तो कितना हो गया टोटल 40 तो 20 बटा 40 मतलब कितना हो गया 1/2 और 1/2 की बात करें तो अपने क्या ले लिया 0.5 मोल ले लिया 0.5 मोल। तो NaOH के मोल 20 ग्राम NaOH में मोल कितने होंगे तो 20 रखा अपने क्या ग्राम में मात्रा अनुभार की बात करें तो अपने कितना रखा है यहाँ पे 40 तो 20 बटा 40 कितना हो गया 1/2 तो अपने क्या ले लिया 0.5 मोल। अंश पे अपन बाद में जाएंगे मोल पर बाद में जाएंगे मोल पे नहीं की बात है तीनों का मतलब पहले अपन देख लेंगे मोल क्या होता है। तो मोल का मतलब क्या लिया अपन ने पदार्थ की ग्राम में मात्रा अपन क्या ले लिया पदार्थ का अनुभार ग्राम में मात्रा इसलिए अपन ने क्या ले लिया W। अब 1-2 नहीं लगाया विलय होगा तो अपना क्या आ जाएगा 2 विलय होगा तो क्या आ जाएगा 1 सिंपल सी बात है पदार्थ लिया हो सकता है विलय हो सकता है विलायक हो तो जो भी आपको लेना 1-1-1 लगा देना या फिर 2-2-2 लगा देना जो आपकी इच्छा। अभी NaOH की बात करें तो ग्राम में मात्रा कितनी हो गई 20 अनुभार अपने थोड़ी देर पहले देखा था क्या होता है तो अपना क्या हो गया यहाँ पे मोल कितने हो गए। अगर आपको मोल निकालना नहीं आ रहा तो मोल कभी भी नहीं आएगा तो सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए मोल क्या होता है कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगर बात करें इसी के अंदर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सेकंड नंबर लिखा ले लिया यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया 49 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या कितनी होगी 49 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या कितनी होगी सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मुझे किसका निकालना है मोल H2SO4 का ग्राम में मात्रा देखूं मैं तो कितनी देर की है 49 अनुभार आपको दे नहीं रखा होगा क्योंकि मैंने पहले ही बोला था अनुभार कभी भी नहीं देगा अनुभार आपको खुद को पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का 2 देखा था अपने 2 का 2 एस का परमाणु क्रमांक होता है 16 डबल किया तो कितना हो गया 32 एक ऑक्सीजन का 16 4 ऑक्सीजन का कितना हो गया 64 सभी को जोड़ा तो कितना हो गया अपने यहाँ पे 98 थोड़ी देर पहले देखा था वही वापस से काटा तो कितना हो गया 1/2 तो अपने क्या ले लिया 0.5 तो समझ में आया H2SO4 के मोल अपने कैसे निकाले तो ये भी पता होना चाहिए। अगर आपको मोल निकालना नहीं आया तो मोल नहीं आएगा क्योंकि अपने जनरली बोर्ड एग्जाम की बात करें तो मोल से अपना एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो जो आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे निकालना होता है यहाँ तक का समझ में आया मोल क्या होता है 11th में भी दे रखा था वहां पे आपने न्यूमेरिकल बेसिस में नहीं पढ़ा होगा लेकिन यहाँ पे पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल कैसे निकालना होता है केवल और केवल ये फॉर्मूला पता होना चाहिए n बराबर क्या होता है W/F 1-1-1 ले लो आपकी इच्छा होगी ले लो 2-2-2 ले लो कोई दिक्कत नहीं चलेगा। नेक्स्ट बात करो अब मैं बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे मोलर्स मोल प्रभाव और मोल विलय की बात करें तो सबसे पहले अपन ने देखा था मोल निकालना तो अपन को आ गया लेकिन अब मैं बात करूँ मोलर्स मोल प्रभाव और मोल विलय को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं सबसे पहले पता होना चाहिए किससे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कई बार पूछ लिया जाता है मोलर्स की इकाई क्या होती है क्या पूछ लिया जाता है इकाई तो मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया यहाँ पे विमा इट मीन्स इसकी कोई इकाई नहीं होती
विमानहीन, अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे सीटें कई होती है, तो अपन क्या बोलते हैं कोई इकाई नहीं होती। तो याद होना चाहिए मोल अंश की कोई इकाई नहीं होती। प्रदर्शित किससे करते हैं अपन यहाँ पे, x से प्रदर्शित करते हैं। अब जनरली डेफिनेशन की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे, तो डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन अपन पढ़ा के एक बार कंप्लीट करते हैं, मैथमेटिकल पार्ट कल देखेंगे अपन। वैसे मोल अंश की डेफिनेशन क्या होती है, तो सिंपल सी बात मैंने बता दी कि विलयन में माना कि दो अवयव हैं, एक और क्या ले लिया दो, क्योंकि अपन जनरली क्या बोलते हैं विलयन किससे मिलकर बना होता है, विलय और विलायक से। इसको विलायक मान लो, इसको विलय मान लो, इसको क्या मान लो विलायक मान लो। तो विलय और विलायक ले लिया अपने यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे मोल अंश का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोल, चाहे आप इसके लो चाहे इसके लो, किसी एक के लेने, विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोल इसके ले लिए या फिर इसके ले लो, जो आपकी इच्छा हो। विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोल तथा विलयन में उपस्थित अवयवों के मोलों के योग का अनुपात क्या कहलाता है, मोल अंश कहलाता है। मतलब सिंपल सी बात करें अपन यहाँ पे, तो जनरली पता होना चाहिए अगर मैं दो अवयव ले रहा हूँ, इस अवयव के मोल मैंने कितने ले लिए n1 और इस अवयव के मोल मैंने कितने ले लिए n2। एक है अवयव है, उसके मोल कितने ले लिए मैंने यहाँ पे n1, और दूसरे अवयव के मोल के ले लिए मैंने n2। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे x1, मैं बोलूँ यहाँ पे अवयव एक का मोल अंश, इसकी बात कर रहा हूँ अवयव एक का मोल अंश, मतलब मुझे निकालना है यहाँ पे x1, क्या निकालना है अवयव एक का मोल अंश, मतलब क्या निकालना है मुझे x1, इसका मान निकालना है। तो मैंने क्या ले लिया, जिस भी अवयव का मोल अंश निकालना है उस अवयव के मोल ऊपर ले लेना n1, समझ में, उस अवयव के मोल के लेने अपन को ऊपर, और टोटल मोल कितने हो गए n1 plus n2, उसको क्या लेना है आपको n1 plus n2। तो ये क्या हो गया अवयव एक का मोल अंश कितना हो गया यहाँ पे अगर बात करें, तो x1 बराबर क्या हो गया n1 plus n1 upon n1 plus n2। जिस भी अवयव का मोल अंश निकालना है, x1 निकालना है, तो उस अवयव के मोल क्या ले लेंगे अपन ऊपर, और टोटल मोल क्या ले लेंगे नीचे। अगर मुझे यहाँ पे x2 निकालना होता है, x2 का मतलब क्या बोल दूंगा अवयव दो का मोल अंश, चाहो तो वन का मतलब क्या बोल दो विलय, और टू का मतलब क्या बोल दो विलय, एक ही बात है, अवयव एक अवयव दो बोलो, आपकी इच्छा हो तो इसको विलय बोल दो, इसको क्या बोल दो विलय बोल दो। तो अगर x2 की बात करें अपन यहाँ पे, तो x2 को क्या बोल देंगे टू का निकालना है, तो टू के मोल ऊपर ले लेना, तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे n2, टोटल मोल कितने हो गए यहाँ पे n1 plus n2। दूसरा क्या हो गया यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला, एक फॉर्मूला अपना ये वाला हो गया, एक फॉर्मूला ये वाला हो गया। लेकिन ये तब बात कर रहे हैं जब अवयव में कितने अवयव दे रखे, विलय में कितने अवयव दे रखे हो, दो अवयव दे रखे हो। अवयव एक का मोल अंश निकालना है तो उसके मोल ऊपर रह देना, टोटल मोल नीचे आ जाएगा, दो ही तो अवयव है n1 plus n2 नीचे n1 plus n2, ये तो सेम ही आएगा। लेकिन वन निकालना है तो वन के ऊपर रह देना, और टू निकालना है तो टू के मोल ऊपर रह देना। अब मोल निकालना पहले थोड़ी देर पहले देखना था कि मोल कैसे निकालते हैं, अगर आपको मोल निकालना आ गया तो मोल निकालना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा, तो ये सिंपल ही पता होना चाहिए। और नेक्स्ट चीज अपन बात करें, ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी विलयन में, यहाँ तक समझ में आ गए सबके, x1 क्या होता है n1, जिसके भी अवयव का मोल निकालना उसके मोल ऊपर टोटल मोल नीचे, टू का निकालना तो टू के मोल ऊपर और टोटल मोल के ले लिए अपन ने नीचे। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये भी होता है, सपोज आपने किसी क्वेश्चन में x1 निकाल लिया, तो यहाँ पे एक ये भी थ्योरम दे रखी होती है कि x1 plus x2 बराबर क्या होता है वन होता है। किसी भी विलयन में अवयवों के मोल अंशों का योग कितना होता है, इकाई होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, किसी भी विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंशों का योग कितना होता है, एक होता है। अभी अवयव कितने लिए थे तो दोनों के मोल अंशों का योग कितना होगा एक। सपोज आपने क्वेश्चन से x1 निकाल लिया, कल देखेंगे अपन न्यूमेरिकल इसका, सपोज आपने क्वेश्चन से x1 निकाल लिया, तो इसमें मत जाओ फिर आप, डायरेक्टली क्या करोगे x1 पता चल गया, तो x2 निकालने के लिए क्या करोगे x1 को 1 से घटा देना, डायरेक्टली x2 का मान आ जाएगा, क्योंकि दोनों का योग ही कितना होता है एक होता है। तो एक मान निकाल लें, दूसरा मान आप उसे निकाल लें, तो किसी भी विलयन में उपस्थित तीसरा अपना समीकरण क्या हो गया ये वाला। तो अपन बात करें किसी भी विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंशों का योग कितना होता है एक, तो एक निकालना दूसरा एक में से घटा देना, दोनों मोल अंशों का योग कितना होता है एक होता है। लेकिन साथ में ये भी पता होना चाहिए यदि किसी विलयन में तीन अवयव दे रखे हो, तीन भी तो हो सकते हैं चार भी हो सकते हैं, क्योंकि दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है विलयन। तो अगर तीन हो तो x1 ले लिया, x2 ले लिया, x3 ले लेंगे, यहाँ पे n1 plus n2 plus n3 हो जाएगा, यहाँ पे भी n1 plus n2 plus n3, यहाँ पे निकालेंगे तो n3 ऊपर आ जाएगा, n1 plus n2 plus n3 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो x1 plus x2 plus x3 का मान कितना हो जाएगा एक हो जाएगा। तो ये भी जनरली आपको थोड़ा पता होनी चाहिए, यहाँ तक का पार्ट समझ में आया,
अपन ने देखा यहाँ पे, कल देखा था द्रव्यमान प्रतिशत, उसके बाद में देखा अपन ने यहाँ पे आयतन प्रतिशत, उसके बाद में देखा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, उसके बाद में अगर बात करें तो अपन ने क्या लिया मोलर्स, मोल प्रभाव या मोल भिन्न, इसको समझने से पहले अपन ने क्या देखा था मोल क्या होता है वो पता होना चाहिए। मोल को अपन ने बोला था पदार्थ की ग्राम में मात्रा, अपन के लिए था अणुभार, उसी से अपन क्या निकाल रहे हैं मोलर्स। मोलर्स निकालने का सिंपल सा तरीका, जिस भी अवयव के मोलर्स निकालने हैं उस अवयव के मोल ऊपर ले लेना, बाकी टोटल मोल जितने भी अवयव टोटल मोल क्या ले लेना नीचे ले लेना। टू का निकालना तो टू के मोल ऊपर और टोटल मोल क्या आ जाएंगे नीचे। तीन होता है तो एन थ्री ऊपर, एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री क्या आ जाता नीचे आ जाता। तो ये भी आपको जनरली पता होना चाहिए। यहाँ तक का पार्ट समझ में आया सभी के? कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना या कॉल करना चाहो तो मेरे कॉल जो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दे रखे हैं मेरे नंबर उस पर कॉल कर लेना। और अगर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है तो मैं थोड़ी देर बाद में रिप्लाई कर दूंगा। जो भी दिक्कत आ रही है न्यूमेरिकल पोर्शन में, थ्योरी पोर्शन में, कहीं पे भी दिक्कत आ रही हो, और आज अभी आपको मैं थोड़ी देर में पीडीएफ भेज दूंगा, पीडीएफ आप एक बार देखना चाहो तो आप फोटोकॉपी कराना चाहो, प्रिंट निकलवाना चाहो तो निकलवा सकते हो, और डायरेक्टली मोबाइल से देखना चाहो तो मोबाइल से देख लेना। लेकिन जो भी टॉपिक पढ़ा है वो पूरा समझ में आना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट वाला पोर्शन है, ईजी चैप्टर नहीं है। न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन जनरली आपका वीक रहता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। वापस से अपन और देखेंगे, दिक्कत आएगी तो आप पूछना, ठीक है। थैंक यू, बाकी क्लास आपकी कल रहेगी 8 से 8:30। थैंक यू।